बच्चों कैसे हो? सभी घर का अच्छे होंगे, ठीक प्रकार से होंगे। हम आशा करते हैं कि आप ठीक प्रकार से ही होंगे। तो आज हिंदी व्याकरण में पाठ पहला, कक्षा आठवीं में अष्टम में भाषा बोली और व्याकरण को यहाँ पर पढ़ेंगे। तो भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा है क्या? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को दूसरों तक सरलता से पहुंचा सकते हैं, उसे भाषा कहते हैं। यानी कि भाषा को हम दूसरों तक आसानी से सरलता तक पहुंचा सकते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। अब भाषा के मुख्य रूप दो होते हैं। पहला तो होता है मौखिक भाषा, दूसरा होता है लिखित भाषा। तो आज अपन मौखिक भाषा यहां पर पढ़ेंगे। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? भाषा का वह रूप जो मुख यानी मुंह से बोला और कानों से सुना जाता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। यानी कि हम अपने जो मन के विचार हैं, यानी कि उसको हम बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, वही मौखिक भाषा कहलाती है। अब है लिखित भाषा। भाषा का वह रूप जो लिखकर या पढ़कर दूसरों के सामने प्रकट किया जाता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। यानी कि अपने अपने जो भाषा का वह रूप जो लिखकर कॉपी में लिखकर दूसरों के सामने प्रकट किया जाता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। अब है सांकेतिक भाषा और होता है तीसरा। पर सांकेतिक भाषा पुस्तक में शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि सांकेतिक भाषा संकेतों के द्वारा हम दूसरों तक पहुंचाते हैं। यानी कि हम चित्रों की सहायता से, यानी कि संकेत होते हैं चित्रों की सहायता से, हम दूसरों के सामने प्रकट किया जाता है। यानी कि अपन कहीं पर पुल बन रहा है तो उसका पुल का निशान बना देते हैं, बाहर जाने का स्थान बना देते हैं, या अपन बाजार जा रहे हैं, अस्पताल जा रहे हैं तो वहां पर कुछ चिन्ह बना देते हैं, तो उसमें हम पुस्तक हम आसानी से उस जगह तक पहुंच जाते हैं। तो वो सांकेतिक भाषा के अंदर दिखाया जाता है। तो इस भाषा को इस पुस्तक में शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि ये मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। पहला होता है मौखिक भाषा, दूसरा होता है लिखित भाषा। अब एक बोली किसे कहते हैं? भाषा का वह क्षेत्र जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, वही हमारी बोली कहलाती है। अब मातृभाषा किसे कहते हैं? वह भाषा जिसे हम अपने जन्म स्थान से लेकर लालन पालन, यानी कि हम जहाँ पर बड़े होते हैं उसके बीच हम सुनते और बोलते हैं, उसे